इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2024 की बैंड बजा दी। पाकिस्तान के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज के लिए आईपीएल 2024 में मसरूफ 8 मशहूर इंग्लिश खिलाड़ियों को वतन वापस बुला लिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल दुनिया की बहुत बड़ी लीग है। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि आईपीएल के दौरान किसी भी टीम की कोई भी सीरीज होती है तो उसमें बड़े प्लेयर नहीं जाते, क्योंकि आईपीएल में पैसा और टैलेंट दिखाने में मसरूफ होते हैं। ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की वजह से आईपीएल को नुकसान होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 की चार मुख्तलिफ टीमों में 8 मशहूर इंग्लैंड के नामी ग्रामी खिलाड़ी शामिल थे, जो अब आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। अगर इन 8 खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहले पंजाब किंग्स के फास्ट बॉलर सैम करन, जॉनी बेस्टो जिन्होंने अभी हाल ही में 100 बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाया था, इनके बाद लिविंगस्टन शामिल हैं। पंजाब किंग्स के 3 बहुत बड़े खिलाड़ी आईपीएल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की वजह से बाहर हो गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के 2 टॉप प्लेयर जिनमें नंबर 1 पर आते हैं फास्ट बॉलर रैस टॉपी और नंबर 2 पर आते हैं विल जैक्स, जिन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल 2024 की सबसे फास्टेस्ट 100 बनाकर आरसीबी को एक अहम जीत दिलवाई थी। लेकिन अब ये दोनों के दोनों सुपरस्टार खिलाड़ी आईपीएल को बीच में ही छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचों की टी20 सीरीज में मसरूफ हो जाएंगे। इसी तरह अगर बात की जाए शाहरुख खान की केकेआर यानी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज फिल सोल्ट, जिन्होंने ओपन पर आकर काफी धोता लगाया है आईपीएल 2024 में और अपनी टीम को बहुत सारे मैच जितवाए हैं और एक अहम मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन ये भी पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ छोड़ देंगे, और वो भी ऐसे मौके पर जहां आईपीएल बिल्कुल नाजुक मराहल में दाखिल हो गया है और आईपीएल का एंड चल रहा है। इतने अहम मौके पर फिल सोल्ट का जाना केकेआर के लिए क़यामत से कम नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि उनके सुपरस्टार ऑल राउंडर मोइन अली पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने की वजह से जो है चेन्नई सुपर किंग का साथ बीच में ही छोड़ गए हैं और आईपीएल 2024 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए एक और टीम की, तो बहुत बड़ा एक और नाम राजस्थान रॉयल्स का, जिसका नाम है जॉश डी बॉस यानी कि जॉश बटलर, भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की वजह से जो है आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। जॉश बटलर ने आईपीएल 2024 में अब तक 200 ठोक रखी हैं। इससे ही अंदाजा हो सकता है कि वो अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के कितने अहम सतून माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ईसीबी ने सख्त जो है आर्डर जारी किया है और खुलेआम कह दिया कि पहले नेशनल ड्यूटी बाद में आईपीएल या पैसा। तो जॉश बटलर भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की वजह से आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। तो यह तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ईसीबी ने आईपीएल को धोता लगाया है और आईपीएल को बहुत बड़ी टक्कर दी है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। क्रिकेट की ऐसी मजीद और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज़ B7 को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट और न्यू वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।